नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज जो राजस्थान SI का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसके जो पर्सन है वो मैं लेकर आया हूँ। आप बताना आपके कितने नंबर बन रहे हैं इस पेपर में। तो साथ ही चलते पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में एन प्रत्यय नहीं है। तो बताइएगा साथियों, इनमें से किन शब्द में एन प्रत्यय नहीं है। तो इसका आंसर सी दिया है इसने, 3 नंबर आंसर राइट किया इसका। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में ले प्रत्यय नहीं है। तो इसका आंसर दिया है तो अतल। बताना दोस्तों कि आपके इस आंसर के में से कितने नंबर हैं वो बन रहे हैं, इन उत्तरों में से कितने उत्तर हैं जो मिल रहे हैं आपके। तीसरा क्वेश्चन है, किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग है वो नहीं हुआ है। तो इसका ऑप्शन दिया है उत्तर ए। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। तो इसका आंसर दिया है दो, ऑप्शन अदर। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं। तो बताइएगा, तो इसका आंसर दिया है इन्हें चार, किस शब्द में है चार। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है। तो इसका आंसर दिया है दो, बेलदार। तो दोस्तों चैनल पर बने रहेगा, नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कल आपको इसकी फैक्ट आंसर की बता दी जाएगी। तो अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द समाहित हैं। तो इसका आंसर दिया है एक, ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है। तो देशज शब्द है ओकली, एक नंबर दिया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में विदेशी मूल के शब्द नहीं है। तो इसका आंसर दिया है ऑप्शन चार। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में कोई भी शब्द विदेशी मूल का नहीं है। तो इसका आंसर दिया है दो। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव है। तो इसका आंसर दिया है एक। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन है, इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो ऑप्शन ए दिया है इसका। अगला क्वेश्चन है, इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो ऑप्शन चार दिया है इसका। अगला क्वेश्चन है, गुणवाचक विशेषण में से संबंधित वाक्य कौन सा है। तो इसका उत्तर दिया है तीन। अगला क्वेश्चन है साथियों, किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप से प्रयुक्त हुई है। तो इसका आंसर दिया है चार। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित हैं। तो इसका आंसर दिया है इन्होंने एक। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, क्रिया विशेषण रहित वाक्य हैं। तो क्रिया विशेषण रहित वाक्य, तो इन्होंने दो दिया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ है। तो इन्होंने 30 दिया इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, विस्मय बोधक शब्दों के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर दिया चार। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसका आंसर दिया है तीन। अगले क्वेश्चन है, किस वाक्य में क्रिया आक्रमक रूप से प्रयुक्त हुई है। तो इसका आंसर दिया है एक। दोस्तों ये लगभग फैक्ट आंसर तो नहीं कह सकते, लगभग फैक्ट ही है, पूरे फैक्ट नहीं कह सकते। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी विशेषण शब्दों संज्ञा शब्दों से रचित हैं। तो इसका आंसर दिया है तीन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नदी का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका आंसर दिया है एक। अगला क्वेश्चन है साथियों, किस विकल्प में सभी शब्द पेड़ के पर्यायवाची हैं। तो इसका आंसर दिया है चार। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका आंसर दिया है दो। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है। तो इसका आंसर दिया है दो। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म नहीं है। तो इसका आंसर दिया है तीन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम युग्म है। तो इसका आंसर दिया है चार। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में समसूत्र विनार्थक शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं है। तो इसका आंसर दिया है दो। अगला क्वेश्चन है, किन समसूत्र शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं है। तो इसका आंसर दिया है तीन। अगला क्वेश्चन है, परिच्छेद और परिच्छेद शब्दों का सही अर्थ होगा। तो इसका से आंसर दिया है इन्होंने एक। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प के शब्द परस्पर विलोम नहीं है। तो इसका आंसर दिया है एक।
अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता हो उसे कहते हैं संक्रामक रोग। आंसर एक दिया है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, इसका आंसर दिया है 3। अगला क्वेश्चन है, कही हुई बात को फिर फिर कहना वाक्य के लिए सार्थक शब्द है, तो इसका आंसर दिया इन्होंने 2। अगला है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक के परस्पर विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो इसका आंसर दिया इन्होंने 1। अगला क्वेश्चन है, जिसका आचरण अच्छा हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा, तो इसका आंसर दिया इन्होंने 4। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं, तो इन्होंने इसका आंसर दिया है 3। अगला है, किस विकल्प में कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो इसका आंसर दिया इन्होंने 2। अगला है, कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है, तो इसका आंसर दिया 1। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में मध्य पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसका आंसर दिया इन्होंने 3। अगला क्वेश्चन है, हिमालय से अनेक नदियां निकलती है, इस वाक्य में किस कारक के परस्पर का प्रयोग हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में समसूत्री बिनार्थक शब्दों के अर्थ सुमेलित हैं, तो इसका आंसर दिया है 3। अगला है, निश्चार्थवर्ती का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, तो इसका आंसर दिया इन्होंने 1। अगला है, आवर्ती मूलक पक्ष से संबंधित वाक्य हैं, तो इसका आंसर दिया इन्होंने 4। अगला क्वेश्चन है, कर्तृवाचक से संबंधित वाक्य हैं, कर्तृवाच्य से संबंधित वाक्य हैं, तो इसका आंसर दिया है 3। लड़का पढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में समसूत्री बिनार्थक शब्दों के अर्थ सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर दिया है 2। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर दिया इन्होंने 3। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन गलत है, तो इसका आंसर दिया है 2। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी शब्द युग्म हैं, तो इसका आंसर दिया है 2। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में भाववाच्य नहीं है, तो इसका आंसर दिया इन्होंने 2। अगला क्वेश्चन है, इनमें वर्तने की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म नहीं है, तो इन्होंने इसका आंसर दिया 4। अगला है, वर्तने की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो इसका आंसर भी दिया 4। अगला है, इनमें विलोम शब्द युग्म नहीं है, तो इसका आंसर भी दिया इन्होंने 4। अगला क्वेश्चन है, इनमें से विलोम शब्द युग्म नहीं है, तो इसका आंसर दिया 3। अगला है, किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं, तो इसका आंसर दिया इन्होंने 3। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, तो इसका आंसर भी दिया इन्होंने 3। अगला है, मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई, उक्त वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का भेद है, तो वो हो जाएगा द्विकर्मक। 4 ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है, तो इसका राइट आंसर दिया इन्होंने 1। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सरल साधारण वाक्य हैं, तो इसका आंसर दिया इन्होंने 4। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से गलत हैं, तो इसका आंसर दिया इन्होंने 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित से में शब्द शुद्ध वाक्य हैं, तो इसका आंसर दिया इन्होंने 2। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य अशुद्ध हैं, तो इन्होंने इसका आंसर दिया है 2। अगला है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर दिया इन्होंने 3। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते साथियों, तो अगला क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो इन्होंने इसका आंसर दिया 4। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है, तो इन्होंने इसका आंसर दिया 1। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य हैं, तो इन्होंने दिया इसका आंसर 1। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन है, आदि और आदि शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा, तो इन्होंने इसका आंसर दिया है 2। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प के शब्द शुद्ध वाक्य हैं, किस विकल्प है जिसमें शुद्ध वाक्य हैं, तो इसका आंसर दिया है 1। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन है, तो इसका आंसर दिया इन्होंने 1। अगला क्वेश्चन है, माँ ने बच्चों के झगड़े को पड़ोसियों में सिर्फ फुट्टो वाले करवा दिए, उक्त कथन के रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा है, तो इन्होंने आंसर दिया 1।
अगला क्वेश्चन है, सिर मुंडोते ही ओले पड़ना मुहावरे का उपयुक्त भावार्थ क्या है? कार्यरत होते ही विघ्न पड़ना, ऑप्शन तीन इन्होंने दिया है। अगला क्वेश्चन है, गागर में सागर भरना, तो इन्होंने इसका आंसर दिया है तीन, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कमजोर द्वारा शक्ति प्रदर्शन करना नष्ट होने के करीब पहुंचना बवासीर से संबंधित लोकोक्ति या मुहावरा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीन। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक परिश्रम के आरंभ किए व्यापार में बहुत कम लाभ होने पर हताश उद्यमी ने कहा, तो इसका आंसर दिया इन्होंने दो। अगला क्वेश्चन है साथियों, एक तो करेले दूजे नीम चढ़ा लोकोक्ति का उपयुक्त भावार्थ है, तो इसका आंसर दिया इन्होंने चार। अगला क्वेश्चन है, किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है, तो इसका आंसर दिया एक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है, किस शब्द की संधि सही नहीं है, तो इसका आंसर दिया एक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि रहित है, तो इसका आंसर दिया दो। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द का संधि विचय सही नहीं है, तो इसका आंसर दिया दो। अगला है, इनमें से कौन सा संधि सही नहीं है, तो इसका आंसर दिया एक। अगला है, इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है, तो इसका आंसर दिया चार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द की संधि सही है, तो इसका आंसर दिया तीन। अगला क्वेश्चन है, निम्न किस विकल्प में क्रमदार समास नहीं है, तो इसका आंसर दिया तीन। अगला, इनमें से किस विकल्प में तत्पुरुष समास हैं, तो इसका आंसर दिया चार। अगला है, किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है, तो इसका आंसर दिया एक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, तो इसका आंसर दिया चार। अगला है, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं, तो इसका आंसर दिया तीन। और अंतिम क्वेश्चन है, द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो इसका आंसर दिया दो। तो बताइएगा साथियों कमेंट में कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। धन्यवाद चैनल पर बने रहने के लिए।